आज मेरा आश्रम का नर्सरी में कुछ जड़ी बूटी दिखाऊंगा, दो तीन परिचय कराऊंगा। ये देखिए, ये है पत्थर चट्टा, ये देखिए पत्थर चट्टा, इसका पौधा छोटा पौधा, ये देखिए चार पांच, ये देखिए पत्थर चट्टा, ये भी पत्थर चट्टा है, लेकिन इस दूसरा जाति का है, ये अलग, इसका फूल अलग होता है, बांग्ला में इसको, इस पत्थर चट्टा को अलग नाम है। देखिए फूल आ रहा है, देखिए ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा, इसका फूल देखिए, ये देखिए बड़ा पेड़ है, इसका देखिए ओरिजिनल पत्थर चट्टा है, देखिए मैं अभी खा कर दिखाता हूँ, खाया भी, ये देखिए एक कांटा है, एक कांटा जैसे है, कांटा नहीं है लेकिन एक कांटा कांटा हंसुआ की जैसे दांत होता है साइड में, पत्ता का साइड में, और पत्ता मोटा होता है, ये पत्ता मोटा होता है, ये दांत, ये देखिए साइड में दांत, इसका पहचान है, ये देखिए इसको आप मिट्टी में दबा दीजिए, इसमें से जड़ निकल जाएगा, लेकिन हम लोग बनाते हैं इसको काट करके, यहाँ काट कर कलम करते हैं तो वो गाछ अच्छा होता है, तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है, अब पत्ता वाला गाछ लटर पटर हो जाता है, इसलिए हम लोग कलम ही करते हैं, सब कलम करा हुआ गाछ है, सब कलम करा हुआ है। ये किडनी का बहुत ही प्रमुख दवा है, किडनी में जो पत्थर हो जाता है उसके लिए, अगर पत्थर किसी को हो तो इसको दो तीन चबाइए पत्थर, दो ज़्यादा नहीं, दो पत्थर चबाइए, बड़ा हो तो ऐसा हो तो एक ही चबाने में काफ़ी है, छोटा हो तो दो, 21 दिन चबा कर देखिए पथरी पेशाब से निकल जाएगा, पसीना से निकल जाएगा, और यहाँ तक ही नहीं पेशाब का भी दोष कुछ है वो भी ठीक हो जाएगा, पेट का दर्द ठीक होगा, अद्भुत है दवा है। इस दवा का शायद अनमोल दवा है, दाम कुछ है नहीं, 20-21 रुपये दाम है, ऑनलाइन में भेजता हूँ, 20-21 में गाछ के हिसाब से छोटा है, सब 20-21 रुपया गाछ है, ऑनलाइन भेजता हूँ मैं, लोग लेते मंगाते हैं, देखिए पैकिंग में जाता है, दूसरा पैकिंग में जाएगा, ये है पथरी पूरा, ये गाछ जो है प्लांट पथरी का, बाकी इसका गुण और गुण आपको तो आप यूट्यूब और जगह पता हो ही जाता होगा, जिसको ज़रूरत है, लेकिन लगाना सभी को चाहिए, कब किसका काम में आ जाए, सभी घर में एक लगाना चाहिए, ये गाछ मरता नहीं है, सब पानी।
नहीं। अच्छा देखिए, इसका बीज कहीं डाल दीजिए, ये अपने आप होता है, ये लगाया नहीं जाता है, बहुत फलता है। देखिए कैसे घुंघरू का जो पकड़ा है इसमें, देखिए ताकत का खाई, मर्दाना ताकत के लिए है, शादी शुगर के लिए खास करके इसको खा सकते हैं। नुकसान तो बात कोई कुछ ही नहीं है, ताकत इसमें भरपूर है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये इसको फेंका मैं, ये खा लेता हूँ मैं भी, ये भटकाइयाँ जो है मकोई, मैं खा लिया, क्योंकि जिस लोग का शक होता है क्या खा, बता दिए खा कर कुछ हो जाए। आइए एक बार और देखिए, यादाश्त के लिए पत्थर चाटा का फूल, असली पहचान इसका ही है। दो पहचान हमेशा याद रखिए, कहीं खरीदने जाइए, एक ये पहचान, दूसरा इसका जो दांत है, एक साइड में ये देखिए, एक काटा नहीं है इसमें, एक थोड़ा 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 सा ये है, थोड़ा थोड़ा देखिए जैसे कलाकारी किया हुआ है, इसका ई पहचान असल और इसका फूल। देखिए इसके बारे में तो बताया, इसका बंगला में नाम है पाथर कुंची, हिंदी में हम लोग इसे पत्थर चाटा बोलते हैं। देखिए चटक जाता है पत्ता, मोटा है, टूट जा फटता है। देखिए ये है असली पत्थर चाटा, ये देखिए थोड़ा साफ कर लिया मैं उसको और खा लिया मैं, लगभग कभी खाता नहीं हूँ, आज थोड़ा इस खाने के लिए खा रहा हूँ। देखिए खट्टा है लेकिन स्वादिष्ट है, बढ़िया है, इसको खाइए। जिसको किडनी में जिसका पत्थरी हो गया है, खोज कर इसको मंगवाइए, कहीं से मंगवाइए, आपको नज़दीक में मिलता है अच्छी बात है, वहाँ मंगाइए। सभी को एक पेड़ इसको लगाना चाहिए, दाम ज़्यादा कुछ नहीं है, मरता भी नहीं है, पानी भी ज़्यादा लगता है, हमेशा रखिए, साल एक साल में इसका फूल आ जाता है, फूल भी अपने आप में एक अद्भुत है, झूमर के जैसे लटकता है, तो और बड़ा बड़ा होता है, दूसरा गाछ में जो था वो भी नहीं है। देखिए झूमर है ये पत्थर चाटला का फूल, अचूक दावा है। फूल के बारे में तो पता नहीं हमें, इसका उपयोग क्या होता है, किस काम में, ये तो हमें पता अभी तक नहीं चला है, मैं कोई पुस्तक में देखूँगा, लेकिन पत्ता के बारे में सब लोग जानते हैं, अद्भुत है किडनी के पत्थरी के लिए, पेशाब के लिए, पेट का दर्द के लिए, पेट का समस्त दर्द का दूर करता है, पेशाब भी ठीक करता है, पेशाब का जलन रुकावट करता है, प्रोस्टेट के लिए नहीं, प्रोस्टेट का अलग है, वो मेरे पास कभी और दिखाऊंगा, जो बार बार पेशाब होता है उसके लिए मैं अगला वीडियो में बताऊँगा। इसको साधारण पेशाब में रुकावट के लिए, जलन के लिए, पीला पेशाब होता है उसके लिए काम आएगा, प्रोस्टेट का ग्रंथि जो बढ़ जाता है उसके लिए नहीं है, उसके लिए अलग दवा है, जड़ी बूटी को बताऊंगा अगला। आइए चलते हैं।